हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नारी दिव्या सिरप के बारे में। जानेंगे फ्रेंड्स कि किन किन समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, और जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि किन किन इन्ग्रीडियंट से मिलकर यह सिरप बनाई जाती है, और जानेंगे इसके डोज के बारे में और इसके प्राइस रेट, इसके साइड इफेक्ट और कुछ सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा एंड तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें नारी दिव्या सिरप के बारे में, तो फ्रेंड्स ये सिरप आयुर्वेदिक सिरप होती है। इस सिरप को बनाने में सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप कंप्लीट यूरिन टॉनिक होती है। फ्रेंड्स ये सिरप मार्केट में 200 ml के पैक में आती है। इस सिरप की मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड्स क्योरमैक्स फार्मा कंपनी द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, बात करें नारी दिव्या सिरप के प्राइस रेट के बारे में, तो फ्रेंड्स इस सिरप का प्राइस रेट मात्र 150 रुपये होता है। ये सिरप आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें नारी दिव्या सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो फ्रेंड्स इस सिरप को बनाने में निम्नलिखित प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अशोका है, लोधरा है, आमरा है, जामुन छाल है, दसमूल है, अर्जुना है, और ढाई पुष्प है, गुलर छाल है, और बिल्वा मूल है, और नागर मोठा है, दारू हल्दी, और जटावंशी, नीलकमल, पथामूल, मुलेठी, चित्रक मूल, पुनर्नवा, शतावरी, पसान भेड़। इन सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिक्सर से फ्रेंड्स ये सिरप बनाई जाती है। और फ्रेंड्स, बात करें नारी दिव्या सिरप के यूजेस के बारे में, तो फ्रेंड्स इस सिरप का यूज़ महिलाओं से संबंधित समस्याओं में किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, जब महिलाओं में मानसिक धर्म की समस्या हो जाती है तब इस सिरप का इस्तेमाल काफ़ी लाभदायक होता है। और जब महिलाओं के कमर में दर्द होता है या नलों व पेड़ों में दर्द होता है तब भी यह सिरप काफ़ी लाभदायक होती है। यह सिरप नलों व पेड़ों या और कमर के दर्द को जल्द ठीक करती है। और जिन महिलाओं को थकान महसूस होती है या कमजोरी होती है, यह सिरप उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। यह सिरप कमजोरी को जल्द दूर करती है। और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, यह सिरप उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। यह सिरप खून की कमी को जल्द पूरा करता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए भी यह सिरप काफ़ी उपयोगी होती है। यह सिरप भूख की कमी को भी जल्द ठीक करता है, जिससे कि भूख लगने लगती है। और फ्रेंड्स, यह सिरप महिलाओं में रक्त शुद्ध कर शारीरिक क्रियाओं को नियमित करता है, शरीर में नव शक्ति का संचार करता है। यह सिरप महिलाओं को संपूर्ण मास स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखती है। यह सिरप महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिरप होती है। और फ्रेंड्स, बात करें नारी दिव्या सिरप की डोज के बारे में, तो फ्रेंड्स इस सिरप की डोज को एक एडल्ट महिला इस सिरप को 15 से 20 ml दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकती है। फ्रेंड्स, डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह सिर्फ आयुर्वेदिक सिरप होती है। इस सिरप को बनाने में सभी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इस सिरप की कुछ सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर आप इस सिरप का सेवन करते हैं तो फ्रेंड्स आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, इस सिरप की ओवरडोज को नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस सिरप की ओवरडोज को लेते हैं तो इससे आपको कुछ गलत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इस सिरप की ओवरडोज को नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस सिरप का सेवन करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर के सलाह अनुसार इस सिरप का सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स।